स्टूडेंट्स, टुडे आवर नाइन्थ लेक्चर। इस लेक्चर में हम करेंगे डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर को डिवाइड कैसे करना है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 7 डिवाइडेड बाय 10। 10 से इसे डिवाइड करेंगे, 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30 हमारे पास आ गया। ठीक है, 4 में से 0 माइनस किया, 4 आ गया, 3 में से 3 0। अब हम क्या करेंगे, 4 छोटा हो गया, 10 बड़ा है, तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करेंगे, इसको 6 को नीचे लेके आएंगे। जब हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को नीचे लेके आएंगे तो ये जो हमारा पॉइंट है ये आंसर में इस जगह पे आ जाएगा। क्या करेंगे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो हम नीचे लेके आएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट को ऊपर लगा देंगे। 10 4 40 आ गया। ठीक है, 6 में से 0 माइनस किया, 6, और ये हमारे पास अब क्या करेंगे, 6 छोटा हो गया तो 7 को यहाँ पे नीचे ले आएंगे। 10 6 60 आ गया, 7 में से 0 7। अब हम 7 छोटा आ गया, 10 बड़ा है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे। कैसे, जब हम पॉइंट के बाद हमारे पास अगर हमने नीचे 0 लिखना है, जब आंसर में पॉइंट ये वाला पॉइंट लगा हुआ हो तो 0 हम क्या कर सकते हैं, खुद ब खुद इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, इसकी डिवीजन को मुकम्मल करने के लिए अब यहाँ पर हम कर देंगे 10 7 70, तो ये हमारे पास 3.467 इसका आंसर आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है 1.009 डिवाइडेड बाय 1000, इसको हमने कैसे डिवाइड करना है। 1.009 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये यहाँ पे क्या है, 1 हमारे पास है। ठीक है ना, 1 तो 1000, 1 को 1000 पे डिवाइड नहीं कर सकते हम, तो क्या करेंगे, यहाँ पे अब पॉइंट आ गया ये वाला 0 की ऐड करने के लिए, तो क्या करेंगे, पॉइंट हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारे पास 10 बन जाएगा। यहाँ पे 10 पे डिवाइड नहीं होगा 1000 पे। ठीक है, आगे हम ये वाला 0 भी इसके साथ अगर ऐड करेंगे तो ये वाला 0 यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद ये फिर 100 हो जाएगा। 100 भी 1000 पे डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाला 9 जो है इसको भी हमें इसके साथ करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, 0 यहाँ पे लिख कर लेंगे। अब हमारे पास ये सारी वैल्यू आ गई है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 1000 को इस पर डिवाइड कर सकते हैं। 1000 लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है ना, 9 में से 0 9, बाकी ये 0 में से 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास 9 आ गया यहाँ पे 1000, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे। आंसर में हमारे पास पॉइंट हो तो 1 1 0 हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमने वो कर लिया। अब ये 90 हो गया, ये फिर बड़ा है, ये नहीं होगा, तो क्या करेंगे, 0 यहाँ पे लिख देंगे आंसर में, और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये फिर ये 900 हो गया, ये 1000 है, फिर नहीं डिवाइड होगा, तो क्या करेंगे, 1 0 फिर यहाँ पे लिख देंगे और 0 हम यहाँ पे लिखा देंगे। अब क्या करें, 1000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 9000 आ जाएगा। तो ये 0.001009 ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ही करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।